नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू होगा। इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में पहले से अधिक मजबूत हुआ विपक्ष कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई समेत विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं योगी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी सत्ता पक्ष का बहुमत है। विधानसभा में सत्ता पक्ष के बहुमत के बावजूद विपक्ष का संख्या बल बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि विपक्ष ने इस बार सदन में सरकार को घेरने की पूरी योजना बनाई है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुमत के साथ साथ विपक्ष संख्या बल में है। जहां एक तरफ पक्ष बहुमत में है, तो वहीं विपक्ष संख्या बल में है। संख्या ज्यादा होने की वजह से घेरने की पूरी योजना बनाई गई है और साथ ही साथ कई मीटिंगें भी करी हैं विपक्ष ने। खासतौर से मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने कई बैठकें करी है अपने मंत्रियों के साथ, और साथ ही साथ इस विधानसभा सत्र में घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आज अभिभाषण के साथ शुरू होगा राज्यपाल के, लेकिन काफी हंगामेदार होने वाली संभावना जताई जा रही है इस सदन की, क्या कुछ जानकारी है? जी, इससे आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और 6 दिनों तक ये बजट सत्र चलेगा, जिसमें आपको बताया कि तमाम चर्चाएं की जाएगी तमाम विषयों पे। वही विपक्ष का भी उसमें सवाल जवाब होगा। वहीं आपको बताएं कि अगर पिछली सरकार से बात करें तो इस बार का विपक्ष अगर देखें तो समाजवादी गठबंधन काफी, इस बार का जो विपक्ष है वो पिछली गठबंधन से अगर तुलना किया जाए तो काफी मजबूत है, 125 संख्या है। वही अगर बात की जाए तो भाजपा की सीटों में जो 300 प्लस सीटें थी उसमें कम होकर अब 260 लगभग 267 सीटें करीब है। तो कहीं ना कहीं देखें तो विधानसभा के सत्र के अंदर की कार्रवाई बेहद दिलचस्प होगी। वहीं आपको बताएं कि उसके साथ ही विधायकों और मंत्रियों के हाथ में इस बार टैबलेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वो बजट सत्र में सम्मिलित होंगे, तो ये भी एक चुनौती वाली विषय होगा। साथ ही साथ ये एक अलग तरह का मिसाल भारत दे रहा होगा अन्य राज्यों को कि ई विधानसभा नागालैंड के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लागू हुआ है, तो अन्य स्टेट को भी ये संदेश दे सकता है। साथ ही अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद जब चर्चाएं शुरू होंगी, साथ ही अब माना ये जा रहा है कि आजम खान भी लखनऊ से रामपुर से देवरात रवाना होकर लखनऊ पहुंच रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि आजम खान भी आज कुछ ऐसी बातों को रख सकते हैं। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मनमिटाव के बाद क्या वो उनके ठीक बगल में बैठते हैं और क्या किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। जी शिखा जी, विभांशु, अगर बात करी जाए बजट सत्र की, तो योगी कार्यकाल के जो दूसरा कार्यकाल है उसका पहला बजट है, कितना खास हो सकता है? क्योंकि पिछली बार कोविड थी तो उसको देखते हुए, कोविड को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने पर ध्यान था। इस बार ब्रजेश पाठक बने हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, बाकी चीजों पर कितना ध्यान रह सकता है? जी बेशक, आप शिखा आपको बताएं कि जहां एक तरफ योगी सरकार 2.0 की शुरुआत होती है तो उस समय मंत्रियों को कहा गया कि आप 100 दिन के काम का खाका तैयार करें, तो उन 100 दिन के काम के खाके को तैयार करके जो अभी अगर देखें तो सरकार 100 दिन पूरे महज कुछ दिनों में पूरे हो जाएंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं उन जो उनके तरफ से विकास कार्य के खाका तैयार किए गए होंगे, मैनिफेस्टो में किए गए वादों को जमीन पर उतारने के एक प्रयास किया गया होगा, उसी क्रम में आज विधानसभा के अंदर उनकी तरफ से बताया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ एक तरफ परिवहन विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा था कि हम जो बिजी रूट है उस पर नई बसों को चलाएंगे, साथ ही ब्रजेश पाठक ने कहा था कि हम हर अस्पतालों में बेडों की संख्या को बढ़ाएंगे, उसी क्रम में सभी विभागों की तरफ से तमाम वादे किए गए थे और तमाम ऐसी चीजें की गई थी जिसके बारे में भी वो विधानसभा के अंदर में बात करेंगे, हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताया कि ऐसी कई सारे जो बिल है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर में पारित होनी है, तो अब देखा जाए तो जो स्पीकर महोदय है उनकी
आज्ञा के बाद कुछ बिल भी पास हो सकते हैं आने वाले दिनों में। जी जी विभांशु, आज विधानसभा का पहला दिन है और आज जब आनंदीबेन पटेल अब अपने संबोधन से, अपने अभिभाषण से शुरुआत करेंगी इस सदन की, तो वहीं श्रद्धांजलि भी कई लोगों को दी जाएगी। उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति अब बीच में नहीं रहे हैं हम लोगों के, जो कि सदन की कार्यवाही में मौजूद नहीं रह पाएंगे, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी बेशक, आपको बताया सीखा कि कुछ ऐसे नेता जो हाल ही में जिनका स्वर्गवास हुआ हो, साथ ही और ऐसे कुछ लोग जो कोविड काल में अपनी जान गंवा दी, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद ये सत्र की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के संबोधन के बाद शुरुआत होगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना की तरफ से जो तमाम मंत्री हैं और तमाम विपक्ष के नेता हैं, यस और नो लॉबी है, दोनों से तालमेल बनाकर सदन चलाने की कार्रवाई की जाएगी। वही आपको बताएं कि बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो आज से ई विधान की शुरुआत हो रही है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। पक्ष विपक्ष दोनों के बीच इस बार जो मुद्दे उठाए जाएंगे, जो प्रश्न उत्तर किए जाएंगे, वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार पक्ष के साथ साथ विपक्ष में भी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। जहां अभी तक लोग बढ़ती गर्मी से परेशान थे, वहीं प्रदेश में अचानक आए मौसम में बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। जिस तरह से तपती धूप ने लोगों को परेशान कर रखा था, बढ़ती गर्मी के कारण लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा था, वहीं अब मौसम ने इस तरह करवट बदली है कि गरज के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बुलंदशहर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सभी जगह की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दी है, बादल छाए हुए हैं। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी बदला हुआ मौसम नजर आ रहा है। बीते दिन कुछ बूंदाबांदी हुई तेज हवाओं के साथ, और आज भी सुबह से हवाएं देखने को मिल रही हैं। मौसम में कभी धूप कभी छांव का माहौल देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। खबर फरुखाबाद से है, जहां आवास विकास कॉलोनी स्थित भाजपा जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष रुपेश गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और सदस्य विधान परिषद प्रांश दत्त द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रही महंगाई को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से उत्पादन शुल्क घटाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो देश के विरोध में कुछ ना टिप्पणी कर जाते तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। वास्तव में छुट्टियां मनाने जाते हैं तो कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोल देते हैं। अपने देश के प्रति एक जो गर्व का भाव है वो ना करके कुछ ना कुछ देश की विरोध की ही टिप्पणी कर जाते हैं। निश्चित तौर पर भर्त्सना के लिए योग्य है, ऐसी टिप्पणी कभी देश के प्रति नहीं करनी चाहिए। नहीं, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं उनका सच निकल के आ रहा है, कोर्ट के माध्यम से आ रहा है, एक वैधानिक तरीके से निकल के आ रहा है। अब उस पर किसी को कष्ट हो रहा है तो इसके बारे में क्या कह सकता है, इससे उनकी मानसिकता सिद्ध होती है कि उनके मन में क्या है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से बिना बताए मुंबई जाने के लिए निकली तीन बच्चियों को आगरा कैंट स्टेशन पर पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल तीनों बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास भेज दिया गया है और परिजनों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर आगरा कैंट ने बताया कि बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन तीनों ही बच्चियां सही जानकारी नहीं दे पा रही हैं। तो पुलिस की सतर्कता से बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बच्चियों की उम्र ज्यादा नहीं लग रही है और बच्चियां बिना बताए मुंबई जाने के लिए निकल गई थी। तीन बच्चियां हैं आगरा कैंट स्टेशन पर, पुलिस ने इनका रेस्क्यू किया, इन्हें बरामद कर लिया। फिलहाल तीनों बच्चियां सही सलामत हैं, बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास भेज दिया गया है और परिजनों को भी इस मामले की सूचना दे दी गई है। मामले पर जानकारी देते हुए आरपीएफ इंस्पेक्टर ने यह बताया है कि बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन तीनों ही बच्चियां सही जानकारी नहीं दे पा रही हैं।
फिरोजाबाद से गुमशुदा बच्चियों को बरामद किया गया है। आगरा में आगरा स्टेशन पर इन बच्चियों को बरामद किया गया है। फिरोजाबाद से गुम हो गई थी और पता चला है कि ये बिना बताए ही मुंबई जाने के लिए निकली थी। जब गश्त में प्लेटफार्म नंबर एक पर थे तो जो प्लेटफार्म नंबर एक और छह का झांसी छोर है, दिल्ली छोर है, दिल्ली छोर पर बेंच पर बैठी हुई तीन नाबालिग बच्चियां दिखाई दी जिनकी उम्र लगभग 13-14 साल के आसपास रही होगी। बच्चियों से हमने काफ़ी गहराई से पूछताछ करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके बताए गए नंबरों से जब हमने उनके परिजनों से संपर्क किया तो उनके परिजनों ने बताया कि इनके संबंध में हम इनकी मिसिंग के संबंध में थाना शिकोहाबाद में मामला पंजीकृत है। हमने तत्काल जो चाइल्ड हेल्प लाइन के जो सदस्य हैं उनके साथ लेके और हमारे बल सदस्यों को भेजकर तीनों बच्चियों का मेडिकल परीक्षण करवाया। मेडिकल परीक्षण के उपरांत जो हमारी रेलवे की SOP है उसकी गाइडलाइन के अनुसार इनको अग्रिम कार्रवाई हेतु चाइल्ड हेल्प डेस्क को दिया जहां से इनको। खबर गाजीपुर से है जहां शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग नगर पालिका क्षेत्र की सभी सड़कों से अतिक्रमण हटाकर यातायात को सुगम करेगा। इसके लिए गाजीपुर की सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी भारी पुलिस बल और राजस्व टीम के साथ सड़कों पर उतरे अधिकारियों ने प्रथम चरण में अतिक्रमण का अवलोकन कर तत्काल हटा लेने की अपील संबंधित व्यापारियों से की है। तो वहीं इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार अतिक्रमण हटाना है और इसके लिए लोगों से अपील भी की गई है जिसकी वजह से व्यापारियों और संगठनों से भी बातचीत की गई है जिससे सड़कों पर यातायात सुगम हो सके। ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसके तहत हम लोगों ने आज रूट मार्च करके पूरे सभी व्यापार मंडल के लोगों को जागरूक किया है। सभी व्यापारियों से ये आग्रह किया है कि वो अपनी जो भी उन्होंने नाली पर इंक्रोचमेंट कर रखा है उसको स्वतः हटा लें। आज हम लोगों ने इसके तहत स्वयं रूट मार्च कर पुलिस और प्रशासन तथा नगर पालिका की टीम ने ज्वाइंट मार्च किया है और इनको 24 घंटे का समय दिया है कि स्वतः अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। गाजियाबाद के गरिमा गार्डन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें चार युवक गाड़ी के अंदर से हुड़दंगबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं जबकि युवकों की इन हरकतों से ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। आपको बता दें कि SSP कलानिधि नैथानी ने बीते दिनों कई वाहनों का चालान भी किया था जिसके बावजूद जनपद में ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां जिले के पालिया तहसील के ग्राम मठहरिया जिले में भीषण तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं साथ बैठी महिला की चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने आनन फानन में पिता और पुत्र को स्थानीय चिकित्सक के पास लेकर गए जहां पर उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पलिया उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य सहयोगी अधिकारियों के साथ पहुंचे जहां पर मृतक के परिवार को सहायता का आश्वासन दिया गया। उधर घटना के बाद पिता और पुत्र दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। अब हम दोनों जने ही आराम तो सब लोग कई ने हवा भरी है आंधी आई है तो गैस बन जी है तो तीन उड़ी जी है तो अपने भैया को हाँ का दे लिया हम कह भैया ही यही भाग गया वो तो ये है तेरा बन भाई तेरा नहीं तेरा बन आंधी आई रहा है आंधी कस के केस ने अंदर बैठे ने बाहर सब गिरवा छप्पर गिरवा दीवार गिर गए सब गिरा ना कुछ जान पाए जो लोग गांव के लोग पड़ोसी लोग ऐसा दिखते जा सुन लोग मेरी कंट्री हम अपने लड़के लेके बाहर से अंदर घुसे इधर इनका लोन पर फिर गए मेरा लड़का बाहर ही रहा है बस इनका लेके खींच के रे भैया। ये 9:30 बजे जो आंधी तूफान आया है और आकाशीय बिजली गिरने के कारण पिता पुत्र की मौत हो गई। क्या नाम थे इनके? इनके अशोक कुमार छोटेलाल सनाफ बाबूराम और प्रांशु सनाफ छोटेलाल। आंधी तूफान में आकाशीय बिजली में ग्राम मटहिया के छोटेलाल और उनके पुत्र प्रियांशु की आकाशीय बिजली की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। दैवीय आपदा में जो इनकी अनुमन्य सहायता है वो कराई जा रही है। इनको 4-4 लाख रुपए के हिसाब से दोनों को 8 लाख रुपए और कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए और 9 लाख रुपए दी है। इनको तत्काल उसके कागज ले लिए गए हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम।
अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र के कबीरनगर पला में एक पत्नी के अवैध संबंधों का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसके बाद पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि बीती 19 मई से लापता युवक का शव 20 मई को बोरे में रेलवे ट्रैक के पास फेंका हुआ मिला था, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर पत्नी और फैक्ट्री स्वामी को गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने सच कबूल लिया। मेरी भाभी के और दीपक जी के अवैध संबंध थे, हाँ उनके अवैध संबंध थे, इसीलिए उनने मिलकर उनके वर्कर्स और उनके भाइयों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उनको मारकर बोरे में बंद करके ट्रेन के खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां के थाना खीरी क्षेत्र के ग्राम शंकरपुर में एक रिक्शा चालक की कुछ लोगों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते बांकों से काटकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि कुछ साल पहले उसके पिता की भी हत्या इसी तरह से कर दी गई थी, तो उधर पुलिस ने मृतक के शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास में लग गई है। मारिन तो मिथिलेश धर्मु ये सब लोग मारिन है अभी ताजा, हाँ ये जो मॉडल करी है ये मिथिलेश धर्मु सर्वेश और सर्वेश के लड़का ये लोग मारिन है, जो बाप मारिन है ये चक्कर हो नहीं। खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर शहर कोतवाली के हाजी पेट्रोल पंप के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर कई चालान किए गए, जबकि इस दौरान उप निरीक्षक विकास त्रिपाठी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट और हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए लगाएं और जिसने भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।